और दोस्तों यहाँ पे सांप भी दिखा, मैं ये देख सकते हो आप, ऐसी पूछ आप देख सकते हो। तो दोस्तों दर्शन करने जरूरी है माँ के, अब मिलते हैं मंदिर में जाके। चंद्रमा को इस स्थान पर तपस्या करने से अमृत की प्राप्ति हुई है। इस स्थान के दर्शन व पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, सो फिर से स्वागत है आपका इस नए दिन के नए ब्लॉग में, मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं माता राकेश्वरी के मंदिर में, जो कि रांसी गाँव में बसा है और मधमेश्वर घाटी का एक खूबसूरत सा और प्रसिद्ध मंदिर है। तो बाकी वहाँ की जानकारी हम वहाँ के पंडित जी से ही लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। और अभी हमें जाना है रावलेख मार्केट तक, और वहाँ से देखेंगे अगर गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो 3-4 किलोमीटर है, देखेंगे पैदल ही जाएंगे। और पूरा सड़क वाला रास्ता है, और मेरे साथ में है सागर हो गया मैडम जी, और हम तीनों जा रहे हैं आज। और दोस्तों मौसम की बात करें तो ये आप देख सकते हो, आज मॉर्निंग से ही आसमान पर बादल लगे हुए हैं, पर बारिश नहीं आ रही है, देखते हैं। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रावलेख मार्केट में, और यहाँ से हमें आगे जाना है, आपको दिखाते हैं सड़क वाला रास्ता। और दोस्तों ये है रावलेख मार्केट, और यहाँ से आगे की रोड जाती है उखीमठ के लिए, और ये वाली सड़क जाती है रांची के लिए, तो हमें इस सड़क पर जाना है आगे। और अभी हमने मार्केट में पता किया, गाड़ियाँ तो शायद सब निकल गई हैं, तो हमें अभी पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी मिल गई रास्ते में तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये पौराणिक जल स्रोत हैं, जिनको हमारी भाषा में धारे बोलते हैं, और हर गाँव में आपने देखे होंगे, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे। और दोस्तों यहाँ नीचे आप देख सकते हो ये है धान की खेती, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, और इन्हीं के बीच में एक ये घर देख सकते हो आप, बहुत ही पुराना है, जो अभी पूरा टूट रखा है। और अभी हम 1-2 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और 2-3 किलोमीटर और चलना है, और बहुत थकान लग चुकी है, क्योंकि कल भी हम पैदल रास्ते से कालशिला गए, और आज फिर से जा रहे हैं मंदिर में। और दोस्तों अभी हम बहुत ही टॉप में आ चुके हैं, तो यहाँ से नीचे आप देख सकते हो यह है मधुगंगा, और यहाँ से रावलेख गांव मार्केट आप देख सकते हो इतनी दूर दिख रहा है। और अभी लगभग हमको 2-3 किलोमीटर और जाना है, और गाड़ी तो मिली नहीं, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। आधी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उनियाणा गांव में, और उनियाणा एक छोटा सा मार्केट है जहाँ आपको जरूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ से कुछ इस प्रकार है यहाँ का नज़ारा। और दोस्तों यही ट्रैक मधमेश्वर मंदिर के लिए भी जाता है, तो यहाँ पे लॉजों की व्यवस्था भी है, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और मतलब यहाँ पे आपको सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। और दोस्तों रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को भी मिलेंगे, ये आप देख सकते हो, और चट्टानों की तो बात ही क्या करें, देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त चट्टान है, और चट्टान को काट के सड़क बनाई गई है। और दोस्तों यहाँ पे सांप भी दिखा, मैं ये देख सकते हो आप, थोड़ा दिख रहा है, इसकी पूछ आप देख सकते हो। और इस ट्रैक पर आपको रास्ते में बहुत पुरानी पुरानी मकानें देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हो, मतलब ये डिज़ाइन मैंने आज पहली बार देखा। बीच में आप देख सकते हो दरवाज़ा है, और दोनों साइड खिड़की, और ऊपर पे रोशनदान की व्यवस्था भी कर रखी है, ये आप देख सकते हो। और ऊपर पूरे ये पत्थरों से बना है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं पठाली, ये देख सकते हो, जो कि अभी पूरा खंडर हो चुका है। और दोस्तों अभी हम उनियाणा से काफ़ी आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर एक प्रतीक्षालय है, तो यहाँ पर थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी धूप होने लगी है और थकान भी लग चुकी है, तो थोड़े यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के सफ़र की ओर। और दोस्तों रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें दिखा
ये आप देख सकते हो, ये एक टैंक है और यह है मत्स्य पालन। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी, ये देख सकते हो आप, ये जूम करके बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पाल रखी है इस पानी में। और काफ़ी बड़ा टैंक है ये। तो यहाँ के लोगों ने स्वरोजगार के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे संसाधन और बहुत सारी चीज़ें अपना रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मत्स्य पालन भी बना रखे है और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। और नीचे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि किसी का होगा तो विदाउट परमिशन हम नहीं जा सकते, पर आपने ऊपर से देख लिया होगा बहुत सारी मछलियाँ हैं वहाँ और काफ़ी बड़ा टैंक है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ ऊपर पे है, दो तीन टैंक और बना रखे हैं मत्स्य पालन के लिए। और साथ ही में यहाँ पे पॉल हाउस की व्यवस्था भी है, ये देख सकते हो, तो मतलब काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, देख सकते हो। और बहुत सारी मछलियाँ भी उस पानी में हैं ये। सो दोस्तों फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल तक। यहाँ पे आप देख सकते हो रांची है 1 किलोमीटर और मधुमेसर घाटी का आखिरी गांव है गोनार, जो कि 7 किलोमीटर है, और वहीं से ऊपर है मधुमेसर मंदिर। तो यह है 19 किलोमीटर का ट्रैक और बस अब 1 ही किलोमीटर बचा है, जल्दी से निकलते हैं। और ये यात्रा भी हमने पूरी पैदल यात्रा की, तो क्योंकि कल भी की और आज भी की तो बहुत थकान लग चुकी है। तो दोस्तों दर्शन करने जरूरी है माँ के, अब मिलते हैं मंदिर में जाके। नीचे आप देख सकते हो, अगर आपने उनकी वीडियो देखी होगी तो आप ये एरिया ज़रूर पहचान रहे होंगे। ये रास्ता है यहाँ से जाने का और यहाँ से नीचे है कुल पहाड़ी भाई का घर। और अब रांची गोनार तो सीधा आगे है, आप देख सकते हो यहाँ अंधेरा हो रखा है और मंदिर में आप जाते हैं। और नीचे आप देख सकते हो यह है मधुगंगा, जो कि कुल पहाड़ी भाई की ब्लॉग में आपने बहुत बार देखी होगी, ये आप देख सकते हो। और यहीं आगे पे भाई का घर भी है। और दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रांची गांव में और ऊपर पे आप देख सकते हो यह राकेश्वरी माँ का मंदिर। तो जल्दी जाते हैं क्योंकि लेट भी हो चुकी है, पूजा पाठ करके मिलते हैं आपसे। और यह रांची गांव और यहाँ पे आप मंदिर देख सकते हो। और यह मंदिर कमार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ राकेश्वरी के मंदिर में और यहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और दोस्तों दोगति बैसाख के दिन यहाँ पे मेला लगता है और जिस मेले में यहाँ पे माता की डोली यहाँ पे झूला झूलती है, तो ये आप देख सकते हो। अभी हमने पूजा पाठ कर ली है और पूरा मंदिर भी घूम लिया है। अब बताते हैं आपको थोड़ा महाराकेश्वरी के बारे में। और यहाँ इस स्थान पर माता चंद्रमा ने तपस्या की थी जब उनको क्षय रोग हुआ था। जब माता चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था उनका पूरा शरीर नष्ट होने लगा था और उन्होंने पूरे संसार के चक्कर लगाए और तब उन्हें यहाँ स्थान मिला तपस्या के लिए। उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनको अमृत की प्राप्ति हुई और उसके बाद उनका नाम राकेश्वरी पड़ा और इसी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है, माता राकेश्वरी के मंदिर। और उनकी तपस्या के बारे में यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चंद्रमा को इस स्थान पर तपस्या करने से अमृत की प्राप्ति हुई है, इस स्थान के दर्शन व पूजन से मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों अभी पूजा पाठ हमने कर लिया है और यहाँ पर हम माँ के प्रांगण में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास छाँव है। और अभी माँ के दर्शन करके पूरा मन भी शांत हो गया है और थकान भी पूरी मिट चुकी है, तो अब नीचे सड़क में जाते हैं और वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो
गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो देखेंगे फिर से पैदल रास्ते से जाएंगे। तो देखते हैं, तो चलिए अब माता से विदा लेते हैं और चलते घर की ओर। और दोस्तों ये तो चले गए अंकल जी के साथ और हम जा रहे हैं पैदल। ये देखो ससुर जी टीचर हैं सागर के पापा और उनकी ड्यूटी यहीं रांची में है, तो उनकी छुट्टी हो गई, वो तो निकल गई और हम दो बचे हैं। अब देखते हैं हमारी किस्मत, उसकी किस्मत तो चमक गई, अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आते टाइम में पैदल जाते टाइम में पैदल हालत ख़राब हो जाएगी। पर चलो कोई नहीं, चले जाएंगे हम। सो दोस्तों अब थोड़ा ही बचा है और पीछे आप देख सकते हो रावले गांव दिखने लगा है और आज का ट्रैक भी पूरा पैदल ही हुआ, आई भी पैदल गई भी पैदल और कल भी पैदल, तो मतलब हालत ख़राब हो गई है, थकान लग चुकी है, पर क्या ही करें तब। सो दोस्तों अभी जाके पहुँचे घर में, ये देखो कपड़े चेंज करके कपड़े भी धोने लगे हैं और हम अभी पहुँच गए और हालत ख़राब हो गई है, तो पसीना आ गया, थोड़ा नहाते भी हैं आज। अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और वहाँ से हम 2-2.5 बजे आ गए थे, उसके बाद थोड़ा खाना खुना खाए क्योंकि थकान भी लग चुकी थी और रेस्ट किया और अभी जाके उठ रहे हैं और बाकी अभी ब्लॉग को एडिट भी करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। और कमेंट में जय मां राकेश जरूर लिखना।